हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने दो कलर की बूट ली है। आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालूंगी। तो फंदे में बिल्कुल सिंपल डाल रही हूँ और तीन फंदे से हम इसे स्टार्ट करेंगे। एक, दो और देखिए तीन। आप जितना मर्जी इसको बड़ा बनाएंगे, स्टार्टिंग इसकी सिर्फ तीन फंदे से ही होगी। आगे हम बता देंगे वीडियो में आपको किस तरह से आपको बड़ा करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने तीन फंदे उल्टे बुन लिए। यहाँ पे हम ये पत्ते वाला डोरमेट्स बना रहे हैं। इससे आप स्क्वायर भी बना सकते हैं या फिर एक ही पत्ते से बड़ा बना के यूज कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरी रो हमने यहाँ से बना ली। ये देखिए, ये तीन फंदे हमने इस तरह से, देखिए ये दो गांठ स्टिच इधर आ गई, दो इधर आ गई। अब हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने ये ऐसे बना लिया और दूसरा फंदा हम यहाँ पे ऐसे लपेट के बढ़ाएंगे। लपेट लिया, इसको उल्टा ही बना लिया और एक बार यहाँ लपेट लेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। देखिए, एक हमने उल्टा बनाया, उसके बाद हमने एक फंदा बढ़ाया, फिर बीच में फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा इधर किया ऐसे बार। और इस तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, इधर हम उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए, सेंटर वाला फंदा जो रहेगा उस पे हम फंदा बढ़ाएंगे। अभी हमने एक बनाने के बाद फंदा बढ़ाया था, अब हम दो बनाने के बाद ऐसे, ये देखिए ऐसे लपेट लिया, इसको उल्टा बना लिया, इसको भी ऐसे लपेट लेंगे। यहां से देखिए, इस तरह से उल्टी रो में हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात फंदे हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक, दो, तीन और देखिए यहाँ पे हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे। चार, बीच वाला फंदा उल्टा बुना, पांच, एक बार और लपेट लिया, फंदा बढ़ा लिया ऐसे, यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास तीन और तीन छः, तीन नौ फंदे हो गए, जिसमें से देखिए हम इधर तीन फंदे का बॉर्डर बनाएंगे। एक, दो, तीन और देखिए ये सेंटर का फंदा है। तो हम यहाँ से तीन के बाद बूल पीछे करेंगे, जो एक फंदा ये वाला हम सीधा बुनेंगे ऐसे। अब देखिए, हम यहाँ पे बूल को आगे करेंगे। अभी हम ऐसे लपेट के बढ़ा रहे थे फंदा, अब हम डायरेक्ट सीधा बुन के बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, और इधर का भी हम ये फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो देखिए, यहाँ पे ये ऐसी डिजाइन आएगी और बूल को हम अपने तरफ करेंगे, ये तीन फंदे उल्टे ही बुनेंगे, ये बॉर्डर चलेगा पूरे पत्ते में। तो यहाँ से अब इधर की रो हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस साइड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा ही बुनते जाना है। अब देखिए, दो, तीन, तीन बनाने के बाद बूल को हम पीछे कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यहां से देखिए, एक और दो, दो फंदे हमने सीधे बुने। अब सेंटर के फंदा पे हमें फंदा बढ़ाना है, तो हम बूल को आगे करेंगे।
और इसको ऐसे सीधा बनाएंगे। वापस देखिए, ये दो फंदे इधर के भी हम सीधे ही बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे तीन फंदे उल्टे, उल्टी रो पूरा उल्टा ही बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए, उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब फिर से सीधी रो पे आ गए। ये देखिए, यहाँ से ये लीप्स की डिजाइन आ जाएगी। यहाँ से तीन फंदे उल्टे बुल को यहाँ से पीछे कर देंगे। और देखिए, यहाँ से एक दो तीन, तीन फंदे सीधे यहाँ पे देखिए इस तरह से, और इस वाले फंदे पे हम जाली डालेंगे सेंटर वाले पे ऐसे। बुल को अपने तरफ करेंगे, इधर भी जाली डाल देंगे और बुल आगे करेंगे, तीन फंदे बॉर्डर के इधर उल्टे। देखिए, यहीं से पलट लेंगे, उल्टी रो हम पूरा उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए, बढ़ा हुआ फंदा भी हम उल्टा ही बुन रहे हैं। जितनी भी रो आएंगी उल्टे तरफ की, उल्टा ही ये देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए सेंटर में ये लिप्स आ जाएगी और इधर उधर बॉर्डर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे अभी। एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुल को पीछे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे। अब देखिए सेंटर वाले फंदा पे हमें जाली डालनी है, तो बुल को हम आगे करके ऐसे एक बुल आगे, और देखिए इस तरह से एक दो तीन चार बुल आगे, तीन फंदा उल्टे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब इसी को रिपीट करते हुए हमें अभी बनाना है। सिर्फ इस फंदे पे हम सेंटर वाले फंदे पे दोनों तरफ एक जाली डालेंगे, ये तीन फंदे उल्टे रहेंगे और जो बढ़ेंगे फंदे वो सब सीधे होते जाएंगे जैसे हम ये बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जाली डाल के कंप्लीट कर ली और मेरे पास यहाँ पे देखिए 11 जाली हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ये लास्ट यहाँ पे 11, 11 जाली डाली हैं मैंने, और मेरे पास यहाँ पे 25 फंदे हो गए हैं। आप अगर एक पत्ती का बना रहे हैं तो आप अपने डोरमेट्स के हिसाब से इसमें जाली डाल लें, जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। पहले आप फंदे बढ़ाएं, अब हम बढ़ाने के बाद आपको बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब यहाँ से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको अभी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो बॉर्डर हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, और ये फंदे जो हैं इनको हम सीधा ही बुनेंगे। देखिए, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, देखिए यहाँ पे जाली डलती थी, अब मैं इस रो में कोई जाली नहीं डालूंगी, यहाँ पे जाली बंद कर रही हूं मैं। ये सब फंदे हम सीधे बुनेंगे जो पत्ती वाले बीच के हैं, और बॉर्डर वाले फंदे बुल आगे करके उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, इसको अभी हम ऐसे ही बनाएंगे बिना फंदा बढ़ा के, और करीब 8 सलाइयां हम निकालेंगे। तो इतना हम बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 8 रो निकाल ली हैं दोनों तरफ की बिना कोई फंदा बढ़ाए, और देखिए यहाँ पे मैंने ये 11 जाली डाली हैं, तो यहाँ पे 8 रो निकाली हैं। अगर आप यहाँ पे जाली बढ़ा रहे हैं तो आपको ये रो भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो अब देखिए, हम यहाँ से दो तीन, तीन फंदे उल्टे, और देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ
ये देखिए यहाँ पे हमने ये 7 फंदे बुने। जो सेंटर का फंदा है देखिए, ये वाला सेंटर का फंदा आ रहा है हमारे पास, उससे पहले हम यहाँ पे ऐसे देखिए 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से अब हम फंदा घटाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने 2 का 1 यहाँ पे कर दिया, और सेंटर वाला फंदा जो है देखिए ये वाला, इसको हम सीधा बुन लेंगे। और देखिए इधर का हम इस तरह से फंदा पलट के ऐसा सीधा करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब हम ये वाले फंदे सीधे बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये सीधे बुन लिए, वूल अपने तरफ किया, ये वाले फंदे 3 उल्टे, और उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर हम सीधी रो पे आपको और दिखाएंगे। अब देखिए उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद हम सीधी रो पे आ गए, तो यहाँ से हम पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल को पीछे करेंगे, और देखिए ये 2 3 4 5 6 6 फंदे बुने, और देखिए यहाँ से ऐसे आगे की तरफ से ये 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। देखिए एक फंदा सेंटर का हम सीधा बुनेंगे, इसको हम पलट के ऐसे घुमा लेंगे फंदे को, क्योंकि ये उल्टा फंदा नहीं होना चाहिए, ऐसे इस साइड में 2 का 1 कर दिया, ये देखिए। उसके बाद ये वाले फंदे जो हैं इनको हम सीधा बना लेंगे, लास्ट के 3 फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, भूल अपने तरफ करके, और देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए उल्टी रो हम पूरा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद देखिए वापस हम सीधी रो पे एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए ये सब फंदे खत्म हो जाएंगे। जब मैं आपको दिखाऊंगी ये जो सीधे फंदे हैं ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे 3 फंदे ही रह जाएंगे। तो इतना हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ये लास्ट 3 फंदे तक घटा लिया, बिल्कुल ये लिप्स की डिजाइन बन के कम्प्लीट होता है। अगर आप एक बनाएंगे तब भी बहुत प्यारा लगेगा, बड़ा सा लिप्स बना लीजिए आप तो उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, जो बिगनर्स भी बना सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास ये सारे फंदे घट गए देखिए दोनों तरफ से। अब यहाँ से 1 2 3 और देखिए इसको हम ऐसे करेंगे इस साइड, इसको ऊपर लाएंगे ऐसे, भूल को पीछे करके ऐसे 3 का 1 कर देंगे, ये देखिए, और भूल अपने तरफ करके यहाँ पे ये 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब इधर से जो फंदे हैं उनको हम उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। अब देखिए हम यहाँ पे सभी फंदे उल्टे ही बुनेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे 3 का 1 कर देंगे सेंटर वाले फंदे के साथ उल्टे में ऐसे, देखिए इधर से भी हम उल्टा बुनेंगे। अब ये हम एक फंदे तक ऐसे ही बना लेंगे उल्टा उल्टा, ये देखिए यहाँ से बनाया, यहाँ पे हमने वापस 3 फंदे का 1 कर दिया ऐसे, उसके बाद इधर से हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम लास्ट में 3 बचे इनका 1 कर देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए ये एक पत्ती बनके कंप्लीट हो गई, देखिए कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पत्ती बना के कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई देखिए ये चीज़ हम अंदर के साइड रखेंगे ऐसे, देखिए इसकी भी, और इसको हम यहाँ से ये देखिए ऊपर के साइड दोनों ऐसे सीधे हैं, तो हम ऐसे यहाँ से बीच से फोल्ड करेंगे, दोनों उल्टे आने चाहिए अंदर के साइड। यहाँ से अब हम इसकी सिलाई कर देंगे, इसको मिलाते हुए ही सिलना है आपको ऐसे, और देखिए यहाँ तक इतना सिलेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी रो ली मैंने,
और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना ऐसे मिला लेंगे इसको। ऐसे ही हमें ये सिलना है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं छोटे बड़े के हिसाब से। ऐसे इसको मिलाते जाना है और सिलते जाना है। ये देखिए यहाँ पे हम पक्का कर देंगे ऐसे ताकि ये खुले नहीं। यहाँ से हम बूल को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो पत्ती ऐसे आ जाएंगे। ये डलने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है बनके। अब देखिए एक हम यहाँ से इतना सिलेंगे और दूसरी ऐसे सिल देंगे, तो ये इस तरह से बनके कंप्लीट होगा। तो हम सिल लेते हैं।